हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ये है न्यूली लॉन्च बजट प्लैटिना 110 ABS और आज हम इसका एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, माइलेज, टॉप स्पीड, ऑन रोड प्राइस सारी जानकारी इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से मिस ना हो पाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से। तो आप देख पा रहे हो बाइक के फ्रंट में ब्लैक कलर का वाइजर मिलता है, एलईडी डीआरएल मिल जाते हैं और हैलोजन हेडलाइट सेटअप मिलता है हाई बीम और लो बीम के साथ। और दोस्तों, इस बाइक में फ्लेक्सिबल हैलोजन इंडिकेटर लाइट का सेटअप दिया गया है। हेडलाइट के साइड पैनल में मेरून कलर और सिल्वर कलर का ग्राफिक्स मिलता है। और सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगा हुआ है। बाइक का फ्रंट मडगार्ड ग्लोसी ब्लैक फिनिश में मिलता है और इसके ऊपर मेरून कलर और सिल्वर कलर का ग्राफिक्स दिया गया है। दोस्तों, सस्पेंशन के ऊपर आप देख पा रहे हो एंटी स्किड ब्रेकिंग का स्टिकर मिलता है और ये है रिफ्लेक्टर सस्पेंशन का दोनों तरफ मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम के लिए बाइक के फ्रंट में 240mm डिस्प्लेक्स सेटअप दिया गया है और इसके साथ ही सेफ्टी के लिए सिंगल चैनल ABS भी दिया गया है, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे हो ABS का प्लेट इस तरफ दिया गया है। ब्लैक कलर का एलॉय व्हील के ऊपर गोल्डन कलर का स्टिकर मिलता है जिसकी वजह से ये देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। और टायर साइज के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट में 8100 सेक्शन ट्यूबलेस टायर दिया गया है 17 इंच एलॉय व्हील के साथ। दोस्तों, ये है रियर व्यू मिरर और रियर विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बाइक का साइड प्रोफाइल के बारे में। तो आप देख पा रहे हो इस बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर प्लैटिना का लोगो गोल्डन फिनिश में मिलता है। इसके साथ ही मेरून कलर और सिल्वर कलर में ग्राफिक्स मिलता है जिसकी वजह से इस बाइक के फ्यूल टैंक दिखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। और फ्यूल टैंक के ऊपर टैंक पैड भी लगा हुआ है। और दोस्तों, ये है फ्यूल कैप। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं इस बाइक का मीटर कंसोल। उससे पहले बाइक का की देख लो, कुछ इस टाइप का की मिलता है पहले के जैसे सेम, और इसके ऊपर बजाज का लोगो भी लगा हुआ है। बाइक में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर एनालॉग में दिया गया है और डिजिटल में गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, क्लॉक, फ्यूल गेज, ये सारे कुछ जानकारी देखने को मिल जाते हैं। और मीटर कंसोल के ऊपर टर्न सिग्नल, न्यूट्रल सिग्नल, हाई बीम सिग्नल, चेक इंजन वार्निंग लाइट, ABS सिग्नल, ये सारे कुछ फीचर्स देखने को मिलता है। दोस्तों, बाइक का लेफ्ट हैंडल बार में पास स्विच, हाई बीम लो बीम स्विच, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच दिया गया है। और राइट हैंडल बार में हेडलाइट ऑफ ऑन स्विच और सेल्फ स्टार्ट स्विच दिया गया है। अब बात करें इंजन के बारे में तो बाइक के अंदर 115.45 cc DTSI नेचुरल एयर कूल इंजन दिया गया है, जो कि 7000 RPM पर 8.60 PS मैक्सिमम पावर एंड 5000 RPM पर 9.81 Newton पीक टॉर्क जनरेट करता है। बाइक में 5 स्प्लिट गियरबॉक्स सेटअप दिया गया है, ऑल गियर डाउन शिफ्ट और पीछे न्यूट्रल होता है। दोस्तों, फ्यूल सप्लाई के लिए इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया गया है जिसका वजह से फ्यूल को ऑफ ऑन रिजर्व कर सकते हैं। माइलेज के बारे में बात करते हैं, इस बाइक के अंदर आपको 65 से लेकर 70 किलोमीटर पर लीटर माइलेज देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, टॉप स्पीड के बारे में बात करते हैं, इस बाइक के अंदर आपको अप्रोक्स 90 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये है कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड और ये है हॉर्न। बाइक के अंदर सिंगल पिच हॉर्न मिलता है। और ये है रियर ब्रेक लीवर, ये है राइडर फुट रेस्ट। और दोस्तों, इस बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिलता है। और दोस्तों, ये है पिलियन फुट रेस्ट, बाइक के अंदर काफ़ी अच्छा खासा पिलियन फुट रेस्ट मिलता है। और ये है एग्जॉस्ट सिस्टम, बाइक के अंदर पहले के जैसा सेम एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है। दोस्तों, बात करें इस बाइक का रियर सस्पेंशन सेटअप, टायर साइज और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो इस बाइक के अंदर एडजस्टेबल SOS विथ नाइट्रॉक्स कैनिस्टर सस्पेंशन दिया गया है, जिसका वजह से आपको काफ़ी अच्छा खासा कंफर्टेबल मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। और इस बाइक के रियर में 80/100 17 इंच ट्यूबलेस टायर मिलता है। और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इस बाइक का रियर में 110mm ड्रम ब्रेक सेटअप लगा हुआ है। इसके साथ ही RFB प्लेट भी लगा हुआ है जिसका वजह से टायर स्किड होने का चांसेस कम रहता है। दोस्तों, बाइक का साइड पैनल के ऊपर सिल्वर कलर और मेरून कलर का ग्राफिक्स मिलता है, सेम ग्राफिक्स सीट कलर के ऊपर भी लगा हुआ है। इसके साथ ही 110 ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का स्टिकर मिलता है। बाइक के रियर में हैलोजन इंडिकेटर लाइट का सेटअप मिलता है और ये है टेल लाइट। बाइक के अंदर हैलोजन टेल लाइट सेटअप मिलता है जो कि प्लैटिना 100 से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लग जाएगा और ये है रिफ्लेक्टर। दोस्तों, बाइक के अंदर सिंगल पिच ग्रैब रेल मिलता है और सीट के ऊपर कॉम्फर्टेक स्टिकर भी लगा हुआ है। और इस बाइक का सीट काफ़ी लॉन्ग है
और काफ़ी सॉफ्ट है, जिसका वजह से आपको राइडिंग के समय कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें आपको तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा दो लोग बैठने का। दोस्तों ये है सारीगढ़ और ये है लेडीज़ फुट रेस्ट, और दोस्तों ये है एडजस्टेबल पिलियन फुट रेस्ट, और इस बाइक का अंदर फाइबर चेन कवर मिलता है, और सेफ्टी के लिए इस बाइक के अंदर साइड इंजन कटअप सेंसर भी लगा हुआ है। दोस्तों आप हम बात करने वाले हैं इस बाइक के कुछ डायमेंशन के बारे में। इस बाइक का लेंथ 2006 mm विथ 713 mm, हाइट 1100 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10.5 लीटर्स, सीट हाइट 807 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm। दोस्तों इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है 200 mm, जो कि एडवेंचर बाइक की तरफ है। इस बाइक का व्हील बेस 1255 mm और इस बाइक का कार्बेट 123 kg। दोस्तों फाइनली प्राइस के बारे में बात करें तो बजाज प्लैटिना 110 ABS का एक्सट्रीम प्राइस है 72,486 रुपीज़ और ऑन रोड प्राइस 98,500 रुपीज़। और दोस्तों ये हमारा वेस्ट बंगल बेथर रोड SS बजाज शोरूम का प्राइस है। अगर आप वेस्ट बंगल बेथर रोड के आसपास इलाका में रहते हो तो SS बजाज बेथर रोड में कांटेक्ट कर सकते हो। शोरूम का कांटेक्ट नंबर ऑल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप दूसरा सिटी में रहते हो तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छी इतना ही है। उम्मीद करते हो वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आप इस चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिए, ताकि दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।